सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर बॉय अभिषेक मिश्रा एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बुक टॉक्स विद अभिषेक। बेसिकली इस सीरीज में हम लोग डिफरेंट बुक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, उनके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, कौन से एग्जामिनेशन के लिए आप उस किताब को इस्तेमाल कर सकते हो, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करते हैं। एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है कि वो पर्टिकुलर किताब आपको खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए, वो पर्टिकुलर किताब आपके लिए अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाती है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही कॉमन किताब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट एटलास के बारे में। आप में से ज्यादातर बच्चे इसके बारे में ऑलरेडी जानते होंगे, तो भैया इस वीडियो का मेन मोटिव क्या है? इस वीडियो में हम लोग दो एस्पेक्ट के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले एस्पेक्ट हमारा रिव्यू होने वाला है, इस किताब को कम्प्लीटली हम लोग रिव्यू करेंगे, आखिर किस तरीके का किताब होता है, कौन सी चीजों के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होने वाला है कि आखिर एटलास की स्टडी किस तरीके से की जाती है, किस तरीके से एटलास को हमको फॉलो करना चाहिए, इस किताब का एक स्टूडेंट लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस होता है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके सभी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना खुद का एटलास दिखाना चाहता हूं ताकि आपको भरोसा हो जाए कि यार मैंने खुद से फॉलो किया हुआ है, तभी जाकर के ये रिव्यू बना रहा हूं। यार कहीं से सुनी सुनी बातें यहां पर बिल्कुल भी डिस्कस नहीं की जाएंगी। यहां पर आप देख सकते हो ये मेरा खुद का एटलास है यार, ऑक्सफोर्ड का एटलास है, स्टूडेंट एटलास है। यहाँ पर आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो, काफी पुराना है, काफी फटी फुटी हो चुकी है, हालत काफी खराब है। हमारे स्टूडेंट टाइम में यार हम लोग इस तरीके से एक फिजिकल मैप का इस्तेमाल करते थे, इंडिया मैप ड्रॉ कर देते थे, उसके बाद हम लोग फिजिकल के जितने भी सिग्निफिकेंस होते थे उनको हम लोग मार्क कर सकते थे। पॉलिटिकल मैप के लिए हमको मैप खरीदना पड़ता था। आजकल हर एक केस में स्टूडेंट्स मैप खरीद लेते हैं, स्टेंसिल्स का काफी कम यूज होता है, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है यार, इसको हमेशा मैं अपने एटलास के अंदर ही रख देता था, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्टूडेंट लाइफ में काफी यूज होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि आखिर एक एटलास होता क्या है, कौन सी चीजें यहाँ पर आपको समझाई जाती है। जितने भी बच्चे आप में से ऐसे होंगे जिनको पता नहीं है कि एटलास क्या होता है, समझ जाओ यार। एक ओवरऑल मैं आपको बताना चाहूंगा कि यार एटलास में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपके मैप की स्टडी होती है। जितने भी तरीके के आप मैप जानते हो, चाहे वो आपके ज्योग्राफिकल मैप हो जाए, हिस्टोरिकल मैप हो जाए, जितने भी तरीके के मैप होते हैं वो सारे के सारे चीजें आपके एटलास में ही मेंशन होती हैं। अब एटलास को कई तरीके के स्टूडेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली क्लास 10 से नीचे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो एटलास को बियर करते होंगे यार, चाहे आप सीबीएसई बैकग्राउंड से हो, आईसीसी बैकग्राउंड से हो, स्टेट बोर्ड को बिलोंग करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, काफी आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके सिलेबस में, अगर आपके कोर्स में सोशल साइंस है, काफी आसानी से यार एटलास का इस्तेमाल कर सकते हो। क्लास 10 के बाद यार डिफरेंट स्ट्रीम में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, कोई साइंस में जाता है, कोई आर्ट्स में जाता है, कोई कॉमर्स में जाता है, और उसके हिसाब से यार एटलास का इस्तेमाल होता है। अगर आपके स्ट्रीम में मैप वाले टॉपिक्स हैं, जैसे कि ज्योग्राफी हो जाता है, हिस्ट्री हो जाता है, तो उस केस में पर्टिकुलरली आप एटलास का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा भी यार कॉलेज के टाइम में जितने भी स्टूडेंट्स हैं जीएस की तैयारी करते हैं या फिर जनरल स्टडीज को फिर से रिव्यू करना चाहते हैं, अपना फिर से शुरुआत करना चाहते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, उनके लिए भी यार एटलास काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स इस किताब को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जल्दी से हम लोग इसके कंटेंट के बारे में डिटेल में एक बार डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि आखिर कौन से टॉपिक्स को लेकर के इसको डिजाइन किया गया है। तो यहाँ पर आपके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर मेंशन होते हैं। यूनिवर्स क्या होता है, अर्थ क्या होता है, मून क्या होता है, कितने तरीके के सैटेलाइट्स होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट वगैरह, उन सभी चीजों की अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन दी जाती है। उसके बाद आपके इंडिविजुअल मैप की स्टडी होनी शुरू हो जाती है। सबसे पहले आपको एक फिजिकल मैप दिया जाएगा। फिजिकल मैप में सिर्फ और सिर्फ फिजिकल बाउंड्रीज होती है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ माउंटेन्स होते हैं, रिवर्स होते हैं। पॉलिटिकल मैप में आपके पॉलिटिकल बाउंड्रीज होती हैं, यानी ओडिशा कहाँ पर है, महाराष्ट्र कहाँ पर है, गुजरात कहाँ पर है, पर्टिकुलरली बाउंड्री वाइज डिवाइड किया जाता है। तो आपको अच्छे तरीके समझ में आ रहा होगा फिजिकल मैप क्या होता है, पॉलिटिकल मैप क्या होता है। उसके बाद यार इंडिविजुअल स्टेट के मैप भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, जम्मू कश्मीर हो जाता है, हिमाचल प्रदेश हो जाता है, ईच एंड एवरी स्टेट, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, ईच एंड एवरी हर एक चीज को अच्छे तरीके से इलैबोरेट करते हुए यहाँ पर आपके हर एक स्टेट को, हर एक डिस्ट्रिक्ट को अच्छे तरीके से मेंशन किया गया है। तो अगर आप डिटेल में स्टडी करना चाहते हो उन सभी चीजों को अच्छे तरीके से समझ सकते हो। इसके बाद यार थीमेटिक स्टडी होनी शुरू हो जाती है। इंडिया के क्लाइमेट हो जाता है, इंडिया का ज्योग्राफी, सॉइल एंड स्ट्रक्चर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, मिनरल फ्यूल्स एंड इंडस्ट्रियल रीजंस, इंडस्ट्रीज, रोड एंड वाटरवेज, रेलवेज, एयर एंड सी रूट्स, पॉपुलेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट, लैंग्वेज एंड रिलीजन, टूरिज्म एंड मास मीडिया, एनवायरमेंटल कॉन्सर्न, नेचुरल हजार्ड्स, जितने भी आपके नेचुरल हजार्ड्स होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर मेंशन होते हैं। कहाँ पर कितना सुनामी आता है, अर्थक्वेक आता है, किस तरीके से रेटिंग होती है, उन सभी चीजों की आप स्टडी अच्छे तरीके से कर सकते हो। इंडिया के जितने भी हिस्ट्री हो जाते हैं, हेरिटेज साइट हो जाते हैं, उन सभी के मैप यहाँ पर अच्छे तरीके से मेंशन
की जाती हैं। तो इस तरीके से इंडिया के हर एक एस्पेक्ट को अच्छे तरीके से इंडिविजुअल मैप में आप स्टडी कर सकते हो। होपफुली आपको चीज़ समझ में आ रही होंगी यार। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इंडिया के ही नहीं यार, वर्ल्ड लेवल पर भी सारे के सारी चीज़ें समझाई जाती हैं। जितने भी आपके कॉन्टिनेंट होते हैं, रीजन्स होते हैं, उन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर एशिया को सबसे पहले एक्सप्लोर किया जाएगा, एशिया का एक पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप इंडिविजुअली समझाया जाएगा। उसके बाद आप क्लाइमेट स्ट्रक्चर, ओवरऑल क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उन सभी चीज़ों को मेंशन किया गया है। क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, पॉपुलेशन, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, जो इंपॉर्टेंट आपके कंट्रीज होते हैं एशिया में, उन सभी चीज़ों को भी मेंशन किया गया है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर अच्छे तरीके से दिखाया गया है। सिमिलरली यार दूसरे कॉन्टिनेंट की भी स्टडी आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। यूरोप हो जाता है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इस तरीके से अच्छे तरीके से सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स की स्टडी अच्छे तरीके से हो जाती है। एक बार इंडिविजुअल कॉन्टिनेंट के बारे में आप अच्छे तरीके से समझ जाते हो, उसके बाद वर्ल्ड के भी सारे के सारे मैप्स यार यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। वर्ल्ड का फिजिकल मैप, वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप, और वर्ल्ड के उसी तरीके से एस्पेक्ट को स्टडी किया जाएगा जिस तरीके से इंडिया के मैप आपने पढ़े थे। टेम्परेचर, क्लाइमेटिक सिचुएशंस, प्रेशर, विंड, रेनफॉल, क्लाइमेटिक रीजन्स, नेचुरल वेजिटेशन एंड सॉइल, एग्रीकल्चरल रीजन्स, मिनरल्स एंड मिनरल फॉइल्स, एनर्जी प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, इस तरीके से हर एक एस्पेक्ट को अच्छे तरीके से आप इंडिया के लेवल पर, वर्ल्ड के लेवल पर, दोनों के दोनों मैप्स में अच्छे तरीके से आप स्टडी कर सकते हो। अब इन सभी चीज़ों को मेंशन करने का मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आप अच्छे तरीके से हर एक मैप को स्टडी करते हो। मैप्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है यार, वो सिर्फ और सिर्फ वही स्टूडेंट समझ सकते हैं जो डायग्रामेटिकली स्टडी करने में प्रेफर करते हैं। मैं खुद उसी कैटेगरी का हूँ यार, डायग्रामेटिकली चीज़ों को समझने में काफ़ी आसानी हो जाती है। उस कैटेगरी के जितने भी बच्चे अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए एटलास्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होने वाला है। डायग्रामेटिकली जब सारे के सारी चीज़ें मेंशन होती है, आपको सारे के सारी चीज़ें रिकॉल करने में, समझने में काफ़ी आसानी हो जाती है। एग्जाम के टाइम भी वो सारे के सारी चीज़ें अच्छे तरीके से रिकॉल हो जाती हैं। इसलिए यार मैप्स का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। आप कोई भी स्टडी कर लो यार, चाहे आप हिस्ट्री की शुरुआत करते हो, एंशंट में हो, मेडिवल में हो, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो, कई सारे जगहों पर हमको कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, कई सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस को मेंशन किया जाता है। हम डायरेक्टली जाकर के उन सभी चीज़ों को मैप में स्टडी कर सकते हैं ताकि हमको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, अच्छा इस जगह पर ये चीज़ हुई थी, इस तरीके से यहाँ पर एक्सप्लोरेशन किया गया था। तो इन सभी चीज़ों की अच्छे तरीके से स्टडी करने के लिए मैप्स का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगला सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही आता है कि आखिर कौन से एग्जामिनेशन के लिए आप इस किताब को इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन आपका बोर्ड एग्जामिनेशन ही होने वाला है। अगर आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, सोशल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्लास 10 से नीचे हो, एटलास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। हालांकि सारे के सारे मैप्स यार आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन होते हैं, ज्योग्राफी के टेक्स्ट बुक में, हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक में मैप्स यार मेंशन होते हैं, लेकिन उन सभी चीज़ों के अलावा भी एटलास एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, कई सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस होते हैं जो मैप में आपको नहीं मिलते हैं, टेक्स्ट बुक में नहीं मेंशन किया जाता, उन सभी चीज़ों का फॉलो करने के लिए एटलास को फॉलो कर सकते हो। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के लिए उन सभी चीज़ों को पढ़ना काफी ज्यादा जरूरी होता है। इसके अलावा जितने भी कॉलेज के स्टूडेंट्स अपने जीएस की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एटलास यार काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो सारे के सारे स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग मी, मैं भी अभी कॉलेज के टाइम पर एक डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करता हूँ, उस टाइम पर भी यार एटलास का काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इन सभी चीज़ों की बेसिक से अगर आप तैयारी करना चाहते हो, एटलास काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन सभी चीज़ों की तैयारी के लिए आपको एटलास काफी हेल्प करने वाला है। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके मन में आ सकता है कि आखिर भैया इस किताब को खत्म करने के लिए कितना टाइम लग सकता है। इस सवाल का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आसान जवाब होता है कि आपका इंटरेस्ट कितना है मैप्स पढ़ने के लिए, मैप्स रीडिंग करने के लिए आपका कितना ज्यादा इंटरेस्ट है। तो अगर आप सही तरीके से इसको इस्तेमाल करते हो तो आपको टाइम टू टाइम यार एटलास का जरूरत पड़ने वाला है। पर्टिकुलरली ऐसा कोई टाइम बाउंड्री नहीं होता यार जहां पर आप इस किताब को खत्म कर सकते हो, एक साल में, दो साल में, वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप अच्छे तरीके से अपना टाइम लेकर के इसको अच्छे तरीके से अपने साइड में लेकर के सप्लीमेंट्री किताब के हिसाब से इस किताब को इस्तेमाल कर सकते हो। इस किताब को खत्म करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा कौन सी कंट्री का क्या करेंसी होता है, कैपिटल क्या होता है, इन सभी चीजों की नॉलेज के लिए भी ये किताब यार काफी इंपॉर्टेंट होता है। आपने भी कई सारे स्टूडेंट्स को देखा होगा जो कंट्री, कैपिटल, करेंसी, इन चीज़ों की अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं, तो वो सारे के सारे एस्पेक्ट आप खुद से भी पढ़ सकते हो और एटलास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अब इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है कि एटलास को पढ़ने का सही तरीका क्या होता है। अब देखो यार, कई सारे स्टूडेंट डायरेक्टली एटलास खोलते हैं, पॉइंट मार्क करते हैं और उसके बाद बंद करके रख देते हैं। ये सबसे गलत तरीका होता है यार। एटलास को पढ़ने का सबसे आसान और सबसे सिंपल इफेक्टिव वे यही होता है कि आपको प्रैक्टिस होनी जरूरी है। चाहे वो आपका वर्ल्ड लेवल पर हो जाए, चाहे आपका इंडिया का मैप हो जाए, कहीं पर भी अगर आप कुछ भी पढ़ते हो, अगर आपको लगता है कि वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, खुद से एक बार प्रैक्टिस करनी जरूरी है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको बार बार रिवाइज करना जरूरी है। मैप को एक बार देख करके आप मेमोराइज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। कहाँ पर क्या चीज़ है, किस तरीके से मेंशन है, वो आपको याद बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है। उन चीज़ों को आप काफ़ी आसानी से भूल जाओगे।
करोगे, डायग्रामेटिकली हो जाए, थियोरेटिकल हो जाए, आपको रिवाइज करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए बार बार टाइम टू टाइम आपको इन चीज़ों को रिकॉल करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सीरियसली किसी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर जनरल स्टडीज़ का इंपॉर्टेंस होता है, उस केस में यार एटलास को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना, बार बार रिवाइज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस तरीके से हमने सारे के सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर लिया। अगर आपको इस किताब से रिलेटेड कोई भी डाउट रह गया हो, इस वीडियो में कोई भी डाउट रह गया हो, या फिर अगर आप चाहते हो कि हम किसी दूसरे किताब के बारे में डिटेल में डिस्कशन करें, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ यार, हम उन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं। तो तब तक ही चलते हैं यार, सी यू, हैव अ गुड डे एंड।